सकती जिले की चंद्रपुर विधायक राम कुमार यादव की नोटों की गड्डी के साथ वायरल वीडियो के मामले में भाजपा ने दभरा के थाना चौक के पास विधायक राम कुमार यादव का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझटकी भी हुई। यहां भाजपा जिलाध्यक्ष कृष्णकांत चंद्रा ने कहा कि जिस प्रकार से चंद्रपुर विधायक राम कुमार यादव का वीडियो सामने आया है, व्यक्ति को देखते ही समझ आ रहा है कि वह क्या मामला है। छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से कमीशनखोरी और दलाली का काम चल रहा है। इसका साक्षात उदाहरण देखने को मिला है। विधायक वीडियो की सच्चाई बताने की बजाय भाजपा से सवाल करके बताने को कह रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि वीडियो के बारे में जांच कराएं। वीडियो की सच्चाई क्या है, रुपए की गड्डी किस चीज के लिए है? लाखों के कैश के साथ वीडियो वायरल होने के बाद विधायक ने अपना नैतिक अधिकार खो दिया है और विधायक को अब अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस दौरान भाजयुमो जिला अध्यक्ष लोकेश साहू, बीजेपी नेत्री सहयोगिता सिंह जूदेव, भाजपा नेता अमृतलाल साहू, कवि वर्मा, खेमेंद्र नायक, आलोक पटेल, शैलेंद्र बंजारे, धर्मेंद्र चंद्रा, रवि पटेल समेत भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद थे। चंद्रपुर क्षेत्र के विधायक राम कुमार यादव का जिस प्रकार का वीडियो कल सामने आया है, प्रथम दृष्टया उसे देखते ही व्यक्ति को समझ में आ जा रहा है कि वो क्या मामला है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सरकार के बारे में हमेशा से कहती रही है कि जब से भूपेश बघेल जी की सरकार बनी है, तब से कमीशनखोरी दलाली का काम चल रहा है, लगातार हमें बात कहते आ रहे हैं। उसका एक साक्षात उदाहरण कल देखने को मिला है और उसमें विधायक जी ये कह रहे हैं कि भाई क्या है, कैसा है, आप लोग बताओ, आपको बताना चाहिए। उल्टा उसको सवाल कर रहे हैं जो पूछना चाह रहे हैं। जनता तो पूछ रही है कि ये पैसा किसका है, विधायक जी आप बताइए, आपके आमने सामने जो बैठे हुए लोग हैं वो कौन है उसको आप बताइए, लेकिन वो स्वयं ना बता करके उल्टा जनता से, उल्टा भारतीय जनता पार्टी से सवाल कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बताए। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी भी बड़ी बेतुकी बयान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि ये किसी ने आरोप लगाया क्या कि लेने देने का, अब ये कोई बात नहीं हुई। मुख्यमंत्री जी से हमारी मांग है भारतीय जनता पार्टी की कि आप पता लगाइए, आप उस जिम्मेदार पद पर हैं, आप उसको पता लगाइए कि वो पैसा किस चीज़ का है, किसी दलाली का है, कमीशनखोरी का है या किसी और चीज़ का है। आप जनता को बताने के लिए आप जवाब दे हैं, आपको ये बताना चाहिए। और आपको ये बताना चाहिए कि इतना बड़ा रकम विधायक के सामने है तो किस बात के लिए है, किस काम के लिए है, ये आपको बताना चाहिए। और विधायक जी ये भी कह रहे हैं कि भाई मैं तो गरीब हूँ और हवाई जहाज़ के सामने मैंने फ़ोटो खिंचा लिया तो हवाई जहाज़ क्या मेरी हो जाएगी? तो ये भैया, हवाई जहाज़ के सामने आप फ़ोटो खिंचा रहे हो तो आप बताओगे ना हवाई जहाज़ किसका है? इस प्रकार से खाली बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। विधायक के जो कृत्य सामने आए हैं उससे स्पष्ट तौर पे उन्होंने अपना नैतिक अधिकार खो दिया है। और भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि चंद्रपुर क्षेत्र के विधायक जी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और इसी मांग को लेकर के आज विरोध करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने डभरा के थाना चौक में राम कुमार विधायक जी का पुतला दहन का आज आयोजन किया था। भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार एक नारा दिया जा रहा है, गली गली में शोर है, राम कुमार यादव चोर है। ये वीडियो से ये जरूर चरितार्थ हो रहा है कि चंद्रपुर विधानसभा में राम कुमार यादव द्वारा लगातार भ्रष्टाचार के आरोप में वो लगातार फंस रहे हैं। चाहे वो रोड की दलाल हो, चाहे वो मुआवजा के दलाल हो, चाहे वो रेत की दलाल हो, हर एक वर्ग में वो फंस चुके हैं। और चंद्रपुर विधानसभा के जनताओं को गुमराह करने का काम अपने आप को गरीब बताकर ढोंग कर रहे हैं। ये सब वीडियो के माध्यम से उजागर हो चुका है और जनता चंद्रपुर विधानसभा की जान चुकी है। आने वाले विधानसभा चुनाव में ये भ्रष्ट कांग्रेस सरकार और राम कुमार यादव को आगाह करते हुए चंद्रपुर विधानसभा की जनता जवाब देगी और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की विधायक यहाँ से बनेगा। आज उसी के संबंध में
राम कुमार यादव जी लगातार चंद्रपुर विधानसभा में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में पुतला दहन का आयोजन रखा गया था और लगातार राम कुमार यादव के ऊपर ऐसे ही हम लोग टारगेट करते हुए अगर जनताओं के ऊपर प्रताड़ित करते रहेंगे तो जनताओं के साथ हम कदम से कदम मिलाते रहेंगे और जनताओं की आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे।